ईशांत यंगर ने है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन लेखन। हिंदी व्याकरण में विज्ञापन लेखन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसकी क्या क्या प्रकार है, किस तरह ये बनाया जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में किस तरह पूछे जाते हैं, तो चलिए हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विज्ञापन लेखन का अर्थ जानें। विज्ञापन लेखन का अर्थ होता है किसी विषय या चीज की जानकारी विशेष रूप से देना, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी कह सकते हैं। विज्ञापन के द्वारा लोगों का ध्यान उस विषय की तरफ आकर्षित करना। हम विज्ञापन इसलिए देते हैं ताकि जो भी हमारा विज्ञापन की वस्तु हो या जो विषय हो उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो। किसी वस्तु या विषय का प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन अखबार, लिखित पत्रिका, रेडियो और टीवी वगैरह पर प्रसारित होते हैं। तो ज्यादातर हम अखबार कहाँ देखते हैं? विज्ञापन हम ज्यादातर अखबार, लिखित पत्रिका, मैगजीन, बैनर्स वगैरह पे, रेडियो और टीवी सेट पर हम उसे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि विज्ञापन लिखते समय वो क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारा विज्ञापन आकर्षित दिखाई दे। तो पॉइंट नंबर 1, विज्ञापन छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। आपको ज्यादा बड़ा और लंबा विज्ञापन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप उसे छोटा रखिए और उसे आकर्षित रखिए। पॉइंट नंबर 2, विज्ञापन स्वच्छ और सुंदर हो। अगर आपने बहुत अच्छा विज्ञापन लिखा है मगर आपने स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा है, उसे बहुत गंदा बना दिया है, तो वो विज्ञापन अच्छा नहीं दिखेगा, उसमें आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो स्वच्छता का ख्याल रखिए और अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका विज्ञापन सुंदर और अच्छा रहे। तीसरा पॉइंट, विज्ञापन की भाषा और शब्द आसान और प्रभावशाली हो। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अपना विज्ञापन बनाने के लिए जो भाषा, जो शब्द, जो वाक्य यूज कर रहे हैं वो आसान होनी चाहिए, ज्यादातर लोगों को समझ में आनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। नंबर 4, चित्र के प्रयोग से उसे ध्यान आकर्षित करने वाला बनाए। अगर आप चित्र अच्छे से बना सकते हैं तो पेपर में आप चित्र बनाए ताकि आपका विज्ञापन अच्छा दिखाई दे। नंबर 5, ऐसे किसी एक वाक्य का प्रयोग करें जो स्लोगन या आसानी से देर तक याद रह जाने वाला हो। अपने विषय से रिलेटेड कोई एक वाक्य का ऐसा प्रयोग कीजिए जो स्लोगन जैसा हो, जो देर तक याद रह जाने वाला हो, तो इस तरह आप अपने विज्ञापन को आकर्षित बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन के प्रकार कितने हैं। विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, वस्तु संबंधी यानी किसी चीज से रिलेटेड जो प्रचार होता है उसे हम वस्तु विज्ञापन कह सकते हैं। नंबर 2, व्यक्ति संबंधी यानी किसी व्यक्ति, किसी इंसान से रिलेटेड जो प्रचार होता है वो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कहलाता है। नंबर 3, स्थान संबंधी, किसी जगह या स्थान से रिलेटेड कोई विज्ञापन हो तो उसे स्थान संबंधी विज्ञापन कहते हैं। सबसे पहले हम वस्तु संबंधी विज्ञापन के बारे में डिटेल में जानेंगे। वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी बिकने वाली वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्रभावशाली प्रकार से देकर खरीदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो वस्तु संबंधी विज्ञापन में कोई भी ऐसी वस्तु जो बिकने वाली हो, जो बाजार में बिकने के लिए आई हो, तो उसकी जानकारी ऐसी प्रभावशाली तरीके से दी जाती है ताकि जो खरीदार है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो और उसकी बिक्री, उसकी खरीदारी ज्यादा हो। प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री की संभावना हो। तो आप जो है वस्तु संबंधी विज्ञापन इसलिए लिखा जाता है ताकि उसे प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसकी बिक्री में ज्यादा से ज्यादा बिक्री की संभावना। और ये चीजें खाद्य पदार्थ की चीजें हो सकती है, साबुन, केश तेल, पाउडर, शैम्पू, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक चीजें का प्रचार इसमें होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो सारी वस्तु संबंधी विज्ञापन में आती है। अब हम समझते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में किसी पद या कार्य के लिए उचित व्यक्ति की खोज की जाती है।
ये विज्ञापन इसलिए लिखा जाता है ताकि किसी पद के लिए, किसी काम के लिए या किसी जॉब के लिए उचित व्यक्ति की जो खोज होती है वो पूरी हो जाए, तो उसे इस तरीके से इसलिए इस कारण लिखा जाता है। कार्य की जानकारी उचित तरीके से देकर व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में कार्य की जानकारी जो है, जो भी काम दिया जा रहा है उसकी जानकारी उचित तरीके से, विशेष तरीके से देते हैं, और जो उम्मीदवार है, जो व्यक्ति है, जो इंटरेस्टेड है, उसमें उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तीसरा पॉइंट, जैसे मैनेजर, शिक्षक, सेल्समैन, ड्राइवर, चौकीदार, घर नौकर आदि। तो जॉब से रिलेटेड जो भी विज्ञापन होता है, हम उसे व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कह सकते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, स्थान संबंधी विज्ञापन। स्थान संबंधी विज्ञापन में घर, दुकान, फ्लैट, कारोबारी जगह, शादी का हॉल या किराए की जगह की विशेष जानकारी दी जाती है। तो ये विज्ञापन इसलिए लिखा जाता है कि अगर घर, दुकान या किराए का कोई घर हो तो उसके बारे में इस तरीके से, विशेष तरीके से उसकी जानकारी दी जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखे आए और उसकी खरीदारी। किसी नई खुली दुकान का प्रचार किया जाता है। अगर कोई दुकान नई खुली है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उसकी भी जानकारी देने के लिए प्रचार किया जाता है, वो भी स्थान संबंधी विज्ञापन में उसका उसको गिना जाएगा। तीसरा पॉइंट, कोई स्थान या किसी हॉल रखे गए कार्यक्रम के बारे में उचित जानकारी दी जाती है। तो स्थान संबंधी विज्ञापन का तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई कार्यक्रम जो है किसी हॉल में, किसी स्कूल में, किसी सेमिनार फंक्शन हॉल में रखा गया है, मगर वो लोगों को नहीं पता है, तो उसकी विशेष जानकारी जो है, उसका वक्त, उसका समय, उसका विशेष टॉपिक जो भी है, वो सब विशेष तरीके से जो है विज्ञापन में लिखा जाता है। तो ऐसे विज्ञापन को भी हम स्थान संबंधी विज्ञापन का उदाहरण कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इसका प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम पहला प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है और आपको उस जानकारी के अनुसार अपना विज्ञापन तैयार करना है। एक केश तेल का विज्ञापन तैयार कीजिए, बालों की समस्या दूर होती है। ये उसके पॉइंट्स हैं जो आपको अपने विज्ञापन में ऐड करना है। आकर्षित तौर पर बाल का गिरना कम करता है, सफेद बाल गायब हो जाते हैं, दो मुंहे बाल खत्म हो जाते हैं, रूखे बेजान बालों में जाना चमक आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको आपके विज्ञापन में ऐड करना है। तो ये वस्तु संबंधी विज्ञापन का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरह लिखे। वस्तु संबंधी विज्ञापन के नमूने तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एक शेप बनाए, ट्राइंगल, सर्कल, कोई भी एक शेप, उसमें आप अपने पॉइंट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे बालों की समस्या, क्वेश्चन मार्क, गिरते हुए बाल, सफेद बाल, दो मुंहे बाल, रूखे बेजान बाल, तो ये एक सवाल है। तो इन सवालों का, इन 5 समस्या का एक ही उपाय, मैजिक ऑयल, और आप ये एक स्लोगन के तौर पे यूज कर सकते हैं, अब आपका जादू जमाना देखेगा। इस तरह आप एक मैजिक ऑयल की जो बॉटल है उसका चित्र बना सकते हो। उसपे कोई भी एक नाम, वो आपको खुद को दे खुद देना है, क्योंकि कई बार प्रश्न में जो है वस्तु का या कोई पद का नाम नहीं दिया जाता है, तो आपको खुद से उस नाम को लिखना है और बनाना है। अगर आप चित्र बना सकते हैं तो आप यहाँ पे कोई एक चित्र भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। जानकारी ये दी गई है, रसोईया चाहिए, अनुभवी, होटल में, साउथ इंडियन खाने में माहिर, संपर्क पता। तो यहाँ पर ना होटल का नाम लिखा है, ना ही संपर्क पता में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। तो हम शुरू देखते हैं इसका आंसर आप किस तरह लिख सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का नमूना है। तो इस तरह आप कोई भी एक शेप लेकर उसमें एक होटल का नाम लिखोगे, कोई नूर होटल, आवश्यकता है एक अनुभवी और साउथ इंडियन फूड में माहिर रसोईया शेफ की, संपर्क करें मैनेजर, ये उसका कांटेक्ट नंबर। तो
तो इस तरीके से आप अपने विज्ञापन को जो है बना सकते हैं। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक मेला, स्थान, दिनांक और समय, संपर्क पता। तो ये जो है ये स्थान संबंधी विज्ञापन का उदाहरण है। हम इसे किस तरह बनाएंगे? आमंत्रण, पुस्तक मेला आमंत्रण, सभी विद्यार्थियों और पुस्तक मित्र को आमंत्रित किया जाता है। पुस्तक मेला, फिर यहाँ पे हमने पता और विषय जानकारी लिखी है, महावीर विद्यालय में, दिनांक 5 दिसंबर 2017 मंगलवार, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। संपर्क करें रवि कुमार शर्मा और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से अगर आप कुछ चित्र भी बना सकते हैं, जैसे किताब की कोई चित्र हो, तो आप बना के अपने विज्ञापन को और आकर्षित कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज हमने देखा कि विज्ञापन किस तरह बनाया जाता है, उसके प्रकार क्या क्या है। तो इस तरह आप अपने विज्ञापन को ये सारी बातें ध्यान में रख के बनाएंगे तो आकर्षित और बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। एशियन यंग आईएएस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।